अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल में क्या है, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि जितना वो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड करता है प्रोजेक्टाइल उसी को हम कहते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। और कहते हैं कि बताएं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कितनी होगी, तो वो चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। लेकिन उससे भी पहले अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में है, तो दो कंपोनेंट बनेंगे वी एक्स और वी वाई, ठीक है। यहाँ पर भी दो कंपोनेंट बनेंगे वी एक्स, ठीक है, वेलोसिटी इसकी डाउनवर्ड है, और वी वाई। लेकिन जो बताने वाली चीज़ है, जब यहां पर आएगा तो वो बिल्कुल ऐसे हॉरिजेंटल है वी एक्स, तो यहां पर देखिए वाई कंपोनेंट ही हमारे पास बनेगा, वी वाई कंपोनेंट ही बनेगा। मैक्सिमम हाइट पर जाके सिर्फ वी एक्स कंपोनेंट बनेगा, वी वाई कंपोनेंट कोई नहीं बनेगा। अब क्यों नहीं बनेगा, यहां पर देखिए जब यहां पर गया तो आगे की तरफ तो जा रहा है, क्या इससे ऊपर की तरफ जा रहा है, ये तो मैक्सिमम हाइट है, क्या इससे ऊपर की तरफ जा रहा है, नहीं जा रहा, तो वी वाई कंपोनेंट नहीं बनेगा, यहां पर सिर्फ वी एक्स कंपोनेंट बनेगा। अब हम एक और बात करते हैं कि अगर मान ले इधर वेलोसिटी इसकी 3 है, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 0 है, फिर हम कह रहे हैं इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1, 2, 3, ठीक है, और यहां से मान लें कि 4 से शुरू है, ठीक है, यहां पर 4 और यहां पर भी 4, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4। हमें पता है कि जब प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी कम होती है, नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वेलोसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन कौन सा कंपोनेंट, वी वाई कंपोनेंट वाले वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए मैंने कहा वेलोसिटी जीरो होगी है, लेकिन कौन सी वेलोसिटी जीरो हुई है, वी वाई कंपोनेंट की, वी एक्स जीरो नहीं हुई, ये हमेशा याद रखना है, वी एक्स जीरो नहीं हुआ, वी वाई जीरो हुआ है। तो अगर आपको पूछे कि मैक्सिमम हाइट पर जो हमारे पास टोटल वो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, तो आपने कहना मिनिमम होती है, जो टोटल वेलोसिटी होती है वो जीरो नहीं होती, वो मिनिमम होती है। ये जो हमने कहा है 4, 3, 2, 1, 0, ये वी वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी है, वो जीरो हुई है, वी एक्स जीरो नहीं हुई, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है। तो यहां पर फिर हम क्या पुट करेंगे कि फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू जीरो, वी एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो नहीं है, वो तो अभी हमने निकाली थी, वो कितनी थी, वी आई इज इक्वल टू वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा, ठीक है, अभी हम उसको निकाल के आए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन हम कह रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी है, इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी है, तो इनिशियल वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या है, ऊपर की तरफ यहाँ से बॉडी जा रही है, प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ए इज इक्वल टू माइनस जी होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी हम लेंगे। एस क्या है, हाइट की हम बात कर रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस हम मालूम कर रहे हैं, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल, तो एस इज इक्वल टू एच के इक्वल आएगा, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना, बस ये सारी वैल्यूज इसमें उठाकर पुट कर दे और आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं इस तरह पुट करने लगा, ठीक है, तो टू उसी तरह ए की जगह क्या पुट करूंगा, माइनस जी, एस की जगह एच इज इक्वल टू वी एफ स्केयर की जगह जीरो माइनस, क्योंकि वी एफ इज इक्वल टू जीरो है, वी आई वाई की जगह क्योंकि ऊपर स्केयर है तो वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस टू जी एच इज इक्वल टू माइनस वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा आ जाएगा, ठीक हो गया, माइनस माइनस से काट गया, तो एच इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा बाय टू जी, ठीक है। तो ये हमारे पास है मैक्सिमम हाइट का रिलेशन, एच इज इक्वल टू वी एच इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन थीटा बाय टू जी, ठीक है, और यही हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था। अब हम देखते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट की सबसे पहले डेफिनेशन, द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स प्रोजेक्शन to the place where it hits the ground at the same level is called time of flight, के point of projection से लेकर
वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, प्रोजेक्शन लेकर वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, ये वाला जो इसको डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगा है उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट है। यानी आसान लफ्जों में जितनी देर वो हवा में रहा है, जितनी देर वो हवा में रहा है उस टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट है। एक और तरीके से भी कि यहाँ से वो चला, यहाँ से चल के ये सारा डिस्टेंस कवर करने में वेयर इट हिट्स द ग्राउंड यहाँ तक जितना उसको टाइम लगा वो उसकी क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक हो गया। तो सेकंड इक्वेशन आप मोशन यूज करेंगे s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब देखेंगे इसमें किसकी वैल्यूज में चेंजिंग कौन सी आएगी। तो वर्टिकल हमने इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया था तो वी आई वाई इनिशियल वेलोसिटी की कितनी होगी, ये वी आई वाई है ठीक है, वो होगी वी आई साइन थीटा। ठीक है, पहले हम पढ़ के आ चुके हैं। s कितना होगा यानी कि जो उसने वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है, जाहिर उसने प्रवास किया ना, तो प्रवास के दौरान जितना उसको टाइम लगा है वो उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो वर्टिकल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, जीरो। क्यों, जहां से चला था जिस जमीन से चला था उसी जमीन पर वापस आ गया, तो वर्टिकल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, जीरो। अगर तो यहां से मैंने चला, यहां से ये प्रोजेक्टाइल चला और यहां पर बैठ के खाना शाना खाने लग पड़ा, थोड़ी देर के लिए रुक गया, तो फिर तो मैं कहूंगा कि भाई उसने वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर रुका तो नहीं है भाई, यहां से चला, जिस जमीन से चला था वहीं पर वापस आ गया, तो मैं कहूंगा कि उसने वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया, कोई भी नहीं, जहां से चला था वहीं पर वापस, तो उसने वर्टिकल डिस्टेंस कोई कवर नहीं किया। ठीक है, इसी जमीन से चला, इसी जमीन पर वापस आ गया। अगर इधर कोई 5-10 मिनट के लिए रुक जाता तो फिर हम कहते कि भाई उसने यहां 10 मीटर तक वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन वहीं पर वापस आ गया जहां से चला था। तो फिर हम इस सेंस में कहते हैं कि s इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। ठीक हो गया। a कितना है, a इज इक्वल टू माइनस जी होगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई साइन थीटा और यहां से जब हम उसको प्रोजेक्ट किए तो a इज इक्वल टू माइनस जी आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कुछ भी नहीं करना, जस्ट ये वैल्यू इसमें पुट कर दें, काम खत्म। एस की जगह जीरो वी आई साइन थीटा। ठीक है, जाहिर वी आई टी है ना, तो यहां पर वी आई वाई, वी आई वाई है, उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे वी आई साइन थीटा इंटू टी और यहां पर प्लस हाफ ए की जगह क्या लिखना है, माइनस जी और टी स्क्वेयर आ जाएगा। अब यहां पर आपने क्या करना है कि वी आई साइन थीटा है तो इसको या एक और से आपकार ही ले वी आई साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्केयर। अब क्या करना है, ये माइनस हाफ जी टी स्केयर उठाकर इधर ले आना है, तो 1/2 जी टी स्केयर इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा और टी। ठीक है, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये टी इससे कट गया, तो यहां पर क्या बचा, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करना था, तो ये हमारे पास आएगा 2VI, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 2VI साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो जी, ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहे कि टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करें तो आपने कहना 2t इज इक्वल टू 2VI साइन थीटा बाय जी से हम वो फाइंड कर सकते हैं। लास्ट में हम देखने लगे हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम डिस्टेंस विच अ प्रोजेक्टाइल कवर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना वो मैक्सिमम डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल कवर करता है उसी को हम कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये इसकी क्या है, यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी और ठीक है ये एंगल थीटा बना रहा हॉरिजॉन्टल के साथ, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितना कवर करता है प्रोजेक्टाइल उसी को हम कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना उसने डिस्टेंस कवर किया। और उसका फार्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी। ठीक है, यह हम डिराइव करके आ चुके हैं। ठीक है, जो हमारा स्पेशल केस था पहले वाला, तो x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, r लिख दूंगा, रेंज हम फाइंड कर रहे हैं, तो वी आई एक्स इंटू टी। ठीक है, अब फार्मूले वही लिखने हैं जो हमने पहले ड्राइव कर चुके हैं, तो वी आई एक्स कितना था,
वी आई एक्स कितना था, वी आई कॉस थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या था जो अभी हमने निकाला है, टू वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, तो टी की जगह ये वाला फार्मूला, वी आई एक्स की जगह ये वाला फार्मूला और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पुट करते हैं इसको, आर इज इक्वल टू वी आई की जगह वी आई एक्स की जगह वी आई कॉस थीटा, तो वी आई कॉस थीटा। टाइम की जगह टू वी आई साइन थीटा बाई जी, टू वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी आ जाएगा। ठीक है, यहां से क्या बन जाएगा, वी आई बाहर आ गया तो वी आई स्केयर और अंदर टू साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो याद रखें कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, वी आई स्केयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या है, ये रेंज का फार्मूला हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल चीजें, ठीक है, हमसे पूछा जाए कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कब मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो याद रखें जब साइन 2 थीटा, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 आएगी तो हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारे पास मैक्सिमम होगी। तो अब वो देखते हैं कि कैसे 1 आएगी, किस एंगल पर 1 आएगी, तो वो चीज देखते हैं। तो आपने क्या लिखना है, साइन 2 थीटा, मैंने क्या कहा है कि जब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 आएगी तब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो 1 है तो यहां पर क्या लिखेंगे, 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो साइन इनवर्स 1 कितना होता है, 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 90/2, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यानी ये वो एंगल है जिस पे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम होगी, मतलब अगर मैं उसको ऐसे 45 डिग्री के एंगल पर फेंकूं तो ज्यादा दूर जाके गिरेगा। ये वो वाहिद एंगल है कि जिस पे वो ज्यादा दूर जाके गिरेगा, उसकी जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो ज्यादा होगी। किस तरह से, अब यहां पे थीटा इज इक्वल टू 45 पुट करें तो 45 2 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो सिर्फ वी आई स्क्वायर ओवर जी आ जाएगा। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल 45 डिग्री पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ये चीजें याद रखनी है। अब इसी के साथ एक और आखिर में एक और कॉन्सेप्ट आपको दे ही दें। देखें, हमें कहा जाता है कि प्रूव करें कि जितना हम एंगल को 45 में प्लस कर रहे हैं और उतना ही एंगल माइनस कर रहे हैं तो उससे जो आंसर आएंगे उन दोनों की रेंज क्या होगी, सेम होगी। बताते हैं किस तरह से। मान लें कि एंगल है 45 डिग्री और मैं इसमें कह रहा हूँ प्लस 15 डिग्री और कितना आ गया 60 डिग्री। इसी तरह 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। जितना 45 में मैंने एंगल प्लस किया है उतना ही माइनस कर देना है। तो प्लस करने से 60 डिग्री आया और माइनस करने से 30 डिग्री आया। अब क्या है, इन दोनों की रेंज सेम होनी चाहिए। किस तरह से, अब रेंज इनकी किस तरह से सेम होगी वो चीज़ देखें। यहां पे देखिए, ये मैंने थ्रो किया 30 डिग्री पे, ठीक है, ये मैंने को थ्रो किया 30 डिग्री पे, तो ये जाके गिरा इधर, यानी ये इसकी रेंज है। अब मैंने एक और प्रोजेक्टाइल थ्रो किया 60 डिग्री पे, तो ये हो गया 60 डिग्री, तो ये भी इधर ही आकर गिरा। ठीक है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। तो देखिए, जहां पर 30 डिग्री वाला गिरा था वहीं पर 60 डिग्री वाला गिरा, तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है, सेम है। तो याद रखें, जितना 45 में मैं प्लस करूंगा और उतना ही अगर एंगल माइनस करूं तो जो आंसर आएंगे उन दोनों एंगल्स पे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, या आप एक और तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं कि अगर इसका आंसर 90 डिग्री आए, 60 प्लस 30 क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये ट्रिक सिर्फ बता रही है। या एक और है, अगर हमारे पास है 45 प्लस आप कह लें 20 कर लें, 45 प्लस 20 और 45 है
माइनस 20, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 25। और यहाँ पे सॉरी प्लस हम कर रहे हैं, माइनस थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है। 45 प्लस 20 करेंगे क्या आ जाएगा 65, 45 माइनस 20 करेंगे तो 25। तो अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकूँ 25 डिग्री के एंगल पर और 65 डिग्री के एंगल पर, तो इन दोनों की रेंज सेम होगी। एक ज़ाहिर है थोड़ा सा नीचे जाके लेकिन आगे जाएगा, 65 वाला ज़्यादा ऊपर चला जाएगा लेकिन हॉरिजेंटल उतना ही कवर करेगा, ठीक है। तो फिर से 65 प्लस 25 90 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, ये आपके न्यूमेरिकल में भी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर प्रोजेक्टाइल मोशन, होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।